इवन एक यंग एंड एवरेज लड़का है जिसने अभी हाल ही में अपनी माँ को कैंसर होने के कारण खो दिया। मदर के फ्यूनरल के दिन इवन एक लोकल पब में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर वहाँ पर शराब पीने लगता है। नशे में धुत इवन की बार में आए कस्टमर के साथ लड़ाई हो जाती है जिसके चलते इवन की नौकरी भी चली जाती है। अब उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उसे ट्रैवल करना चाहिए एंड इससे उसका दिमाग शांत होगा और उसे अच्छा लगेगा। दोस्त की बात मानकर इवन इटली जाता है और पूरे शहर का टूर करता है जिसके चलते उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं। एक साथ मिलकर ये सभी एक लोकल टाउन स्क्वायर पहुंचते हैं जहां पर इवन एक रेड ड्रेस में खड़ी सुंदर लड़की को चेकआउट करता है और इवन को पहली नज़र में ही वो बहुत पसंद आ गई थी। शाम के वक्त जब सब मिलकर एक लोकल बार में ड्रिंक करने जाते हैं इवन दोबारा उस सुंदर लड़की को देखता है। इस बार वो चांस मिस ना करे इसलिए वो सीधा उस लड़की से जाकर बात करने लगता है। लेकिन इवन को शौक लगता है जब ये लड़की जिसका नाम लुइस है उसे अपनी ओर से ही उसके साथ अपने घर पर हुकअप करने के लिए इनवाइट करती है। इवन ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इसलिए नर्वसनेस में आकर वो लुइस के इस ऑफर को ठुकरा देता है। दूसरे दिन इवन के अलावा उसके नए दोस्त सभी दूसरे टाउन घूमने के लिए टाउन छोड़ देते हैं और इस टाउन में इवन अकेले रह जाता है। वो बाद में इसी टाउन में एक लोकल फार्म में जॉब करने लगता है और इस छोटे टाउन में एक पीसफुल जिंदगी जीने की प्लानिंग सोच रहा था। ग्रोसरी स्टोर जाते वक्त उसकी मुलाकात फिर से लुइस से होती है जो दरअसल लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही एक जेनेटिक्स की स्टूडेंट थी। जैसे जैसे इवन लुइस को और जानने लगता है उसके टैलेंट से उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। अब दोनों मिलकर पूरा टाउन घूमते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। शराब के नशे में इवन फाइनली अपना कंट्रोल खो बैठता है और लुइस के साथ इंटीमेट हो जाता है जिसमें प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल जाता है एंड बोथ हैव रॉ सेक्स। देर रात लुइस के शरीर में बहुत ही टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन आने लगती है और जब इवन सुबह उठता है तो देखता है कि लुइस जा चुकी थी। लुइस अब अपने घर आ गई थी जहाँ पर वो मिरर में अपने स्किन को देख रही थी जो कि मानो किसी तरह से सड़ रहा हो। जल्दी से वो कुछ मेडिसिन के शॉट लेती है जिससे उसकी एजिंग होती चमड़ी अब दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। फॉलोइंग डे इवन लुइस को ढूंढ लेता है और पिछली रात के बाद उन दोनों की रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रही थी। लुइस इवन को अपने घर पर इनवाइट करती है जहाँ पर इवन को वहाँ पर कुछ पालतू खरगोश दिखते हैं। जब इवन म्यूजिक प्ले करने के लिए लुइस का फ़ोन ऑन करता है तब उसके फ़ोन की लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती, ये कोई और ही भाषा थी। लुइस एक्सप्लेन करती है कि उसे बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस आते हैं जो उसने अपने फॉरेन ट्रिप्स पर सीखी थी। जब फिर से लुइस के पैर में कुछ चेंजेस फिर से शुरू हो जाती है वो बहाना बना सीधे बाथरूम में चली जाती है। यहाँ पर हम उसे किसी वियर्ड क्रिएचर में ऑलमोस्ट कन्वर्ट होते हुए देखते हैं लेकिन आखिरी पल में वो खुद को एक मेडिसिन शॉट ले लेती है और उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। इवन को फर्श पर पड़ी हुई सीरीन दिखने पर उसे भी अब कुछ शक होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वो अपनी लाइफ नॉर्मली कंटिन्यू कर रहा था, दिन में फार्म पर काम करना और रात में लुइस को डेट। ऐसे एक डिनर डेट करते वक्त इवन उस सीरीन की बात छेड़ता है। उसे शक था कि लुइस शायद एक ड्रग एडिक्ट है पर लुइस उससे कहती है कि उसे कोई अननोन डिजीज़ है यानी कि बीमारी है और उसके लिए उसे वो सिरिंज यूज़ किया था। एक रात यूनिवर्सिटी के लैब में लुइस को कुछ सड़ने की बू आती है और ये खुद उसी के आर्मपिट्स थे जो कि सड़ रहे थे। अब उसके पास कोई मेडिसिन नहीं था इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर खुद को एक शॉट लगा लेती है जो कि उसने अपने रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया था एंड नॉर्मल हो जाती है। इवन जब उसके घर आता है तो वहाँ पर वो खरगोश नहीं था। लुइस की इस कमजोरी की हालत में भी इवन इसकी बहुत ही देखभाल करता है लेकिन उसे इसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट इवनिंग जब दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे लुइस की हालत फिर से अचानक ख़राब होने लगती है और वो इवन से कहकर अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में एक आदमी उसका पीछा करता है जो लुइस को गलती से प्रोस्टिट्यूट समझ रहा था। उसे छेड़ ही रहा था कि उसके सामने ही लुइस एक अजीब क्रिएचर में कन्वर्ट होकर उसे ही खा जाती है। इवन को चोट ना पहुंचे इसलिए लुइस उससे ब्रेकअप कर लेती है जिसे ये भी मालूम नहीं था कि लुइस ने उसे डिच क्यों किया। लेकिन उसे जल्द ये रियलाइज़ होता है कि वो लुइस को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे फिर से मनाने के लिए रात को ही उसके घर जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर वो देखता है कि दरवाज़ा चेन लॉक था और गैप से झांकने पर कमरे के अंदर फर्श पर पड़ी हुई खून दिखाई देती है। जल्दी से दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर घुसता है और फर्श पर एक ऑक्टोपस जैसा दिख रहा क्रीचर को देख उसके होश उड़ जाते हैं। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि उस क्रीचर ने लुइस की ड्रेस पहनी हुई थी और नीचे एक सिरिंज पड़ा हुआ था। हिम्मत करके वो जल्दी से उस सिरिंज को उठा क्रीचर के नेक पर इंजेक्ट करता है जिसके बाद क्रीचर अब वापस इंसानी फॉर्म में आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि लुइस खुद थी। वो इवन से एक राज बताती है कि वो अर्थ पर 2000 सालों से जी रही है और एक म्यूटेंट है।
हर 20 सालों बाद स्प्रिंग के मौसम में उसे किसी आदमी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना पड़ता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, जिससे उसका शरीर उसके पेट में पल रहे एम्ब्रायो या यूं कहे कि बच्चे के सेल्स का इस्तेमाल खुद को फिर से जवान करने में यूज़ करती है, और इससे वो हमेशा ही जवान एंड खूबसूरत रहेगी। अपने इंसानी फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए उसे खरगोश के स्टेम सेल से बनी हुई दवाई को इंजेक्ट करना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद शॉक डीवन यहाँ से उठकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपनी मरी हुई पत्नी के फोटो को देख रो रहा था। यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, इसलिए वापस जाकर लुइस को अपने साथ चलने को कहता है। बट लुइस यहाँ पर उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से थोड़ा हिचकिचा जाती है, क्योंकि वो हर 20 साल में फिर से नई और जवान हो जाएगी बिल्कुल पहले की तरह, और इवन जो कि एक इंसान है बूढ़ा होता जाएगा। वो किसी ऐसे लड़के के लिए अपनी इमोर्टेलिटी या अमरत्व को नहीं खोना चाहती जिसे उसने बस अपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए चुना था, ताकि उसे फिर से रीबर्थ हो सके। लुइस के रीबर्थ प्रोसेस कंप्लीट होने वाले आखिरी दिन इवन डिसाइड्स कि वो ये आखिरी के कुछ घंटे उसके साथ ही बिताएगा बिफोर शी रिवॉल्व्स। आखिरी पलों में वो लुइस की बहुत केयर करता है, यहाँ तक कि वो उसे उसके इंजेक्शंस भी लगा देता है जिससे वो फिर से मॉन्स्टर ना बन जाए। यहाँ पर इवन को ये पता चलता है कि लुइस अपने इन चेंजेस को रोक कर एक नॉर्मल इंसान बन सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देना होगा, वजह इसके कि उसके बच्चे के सेल्स को एब्जॉर्ब करके खुद को रिक्रिएट करे। लेकिन ऐसा करने पर उसकी इमोर्टेलिटी खत्म हो जाएगी और वो भी एक साधारण इंसान बन जाएगी। अब लुइस फिर से मॉन्स्टर फॉर्म में चेंज होने लगती है, इसलिए बची हुई आखिरी इंजेक्शन शॉट भी वो लगा लेती है और इवन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बट इवन यहाँ उसके साथ रहने के लिए इंसिस्ट करता है। अर्ली मॉर्निंग लुइस इवन को लेकर एक खंडर में जाती है जहाँ पर वो 2000 सालों पहले पैदा हुई थी। वो उसे उसकी फैमिली हिस्ट्री और किस तरह से उसने ये एबिलिटी अपनी माँ से पाया था इसके बारे में बताती है। जैसे उसका पुनर्जन्म का वक्त पास आता है वो इवन से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन इवन यहाँ पर आखिरी बार उसे चेंज ना होने की मिन्नत करता है और उसे बताता है कि उसे कितना चाहता था। जैसे ही आसमान में सूरज उगता है इवन लुइस को देखता है जो कि अब भी इंसानी फॉर्म में ही थी, यानी कि उसने इवन के लिए अपनी इमोर्टिलिटी त्याग दी और अब एक नॉर्मल इंसान बन गई सिर्फ अपने प्यार के लिए। एंड ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑन द मूवी स्प्रिंग। वेल वेट वेट, क्या लुइस ने सही डिसीजन लिया? आई मीन इमोर्टिलिटी इज अ ड्रीम राइट? सो दिस इज मूवी इन शॉर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक